अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों कैसे, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज इस गाड़ी का मैं आप लोगों के लिए रिव्यू लेके आया हूँ। ये व्हीलिंग की गाड़ी है जो कि इलेक्ट्रिक कार है, बिल्कुल छोटी सी गाड़ी है आपको, जो कि इसके थंबनेल के अंदर भी नज़र आ गई होगी। इसके जो कि नाम है इस गाड़ी का वो एयर ईवी है। इसकी मैं जो कि आपको एक चार्जिंग के अंदर जितनी इसके कितने माइलेज कवर करती है वो आपको बताऊँगा। उसके अलावा इसके जो कि फीचर हैं, इसके अंदर जो जो चीज़ें कंपनी ने दी हैं वो मैं आपको दिखाऊँगा। जहाँ तक इस गाड़ी की प्राइस की बात है, प्राइस इस गाड़ी के अभी फिलहाल चूँकि फाइनल नहीं हुई, बाकी जो कि इसके जितने भी फीचर्स हैं और इसके अंदर जो जो टेक्नोलॉजी है बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीदियो एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चलते हैं गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर मैं आपको दिखाता हूं, सबसे पहले इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ चलते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर आप देख सकते हैं, राइट साइड पे देखें अगर, यहां पे आप देखें स्पीडोमीटर का ऑप्शन मिल जाता है, जहां गियर की इंगेजमेंट का मिल जाता है ऑप्शन। नीचे इसकी जो कि बैटरी की परसेंटेज वगैरह और कितने किलोमीटर चल पड़ती है, और यहां देख सकते हैं आप इसके जो कि जितने भी इसके नोटिफिकेशन, इसके इंडिकेटर वगैरह टोटल आपको यहां पे इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर मिल जाते हैं। ये देख सकते हैं आपको जितने भी हैं सारे आपको इधर मिल जाते हैं। उसके अलावा अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं, यहां पे आपको जो कि क्रोम की स्ट्रिप यूज़ की हुई मिल जाती है इसके अंदर। उसके अलावा दो सेंटर में इसके ग्रिल मिल जाती हैं। उसके अलावा अगर मैं आपको यहाँ पे देखूँ, इसका जो कि सेंट्रल यूनिट है बिल्कुल छोटा सा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको इसके जो कि तीन ही फंक्शन या तीन ही बटन नज़र आएंगे। यहाँ पे आप इसके जो कि एयर के सारे कंट्रोल्स वगैरह हो गए वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ साथ ही अगर, तो लेफ्ट साइड पर आप देखें, यहाँ पर आपको एक एयर विंड मिल जाती है और एक एयर बैग का ऑप्शन मिल जाता है। तो इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं, यहाँ पे इसके अगर डैशबोर्ड की तरफ देखें तो इसका डैशबोर्ड देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इसके अलावा इसके अगर राइट साइड पे आऊँ तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो कि इसकी रेस का, और यहाँ पे आपको इसके ब्रेक का, पेडल का ऑप्शन मिल जाता है। उसके अलावा अगर मैं आपको ऊपर दिखाऊँ, यहाँ पे इसके जो कि साइड व्यू मिरर है उसके एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, ये देख सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे अगर आप इसके साथ देखें, यहाँ पे आपको लाइट्स का एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। उसके अलावा अगर इसके स्टेयरिंग की तरफ चल तो स्टेयरिंग आप देख सकते हैं, इसका आपको जो कि इलेक्ट्रिक के अंदर मिल जाता है। स्टेयरिंग के ऊपर जो कि आपको ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ पे आपके वॉइस कमांड, उसके इसके अलावा जो इसके मल्टीमीडिया कंट्रोल्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, दरमियान में हॉर्न का ऑप्शन मिल जाता है और एक एयरबैग का ऑप्शन मिल जाता है। उसके अलावा मैं आपको अगर इसके सनशेड्स के बारे में ले चलूँ तो सनशेड में देख सकते हैं, एक आपको वैनिटी मिरर का ऑप्शन मिल जाता है जो कि ड्राइवर साइड पे है, और अगर इसके पैसेंजर साइड पे देखें उस उधर भी आपको मिल जाता है। उसके अलावा अगर मैं आपके सेंटर ये देख सकते हैं लाइट्स के बारे में, तो लाइट इसके आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन के, मतलब बिल्कुल यूनिक है, और हेजर लाइट का बटन आपको यहाँ रूफ में मिल जाता है। उसके अलावा ये देखें, ये मैंने दोबारा चला दिया। उसके अलावा इसके अगर मैं दूसरे सनशेड की बात करूं तो इसके अंदर भी आपको एक वैनिटी मिरर का ऑप्शन मिल जाता है, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके अलावा अगर मैं इसके जो कि उसके अलावा अगर मैं इसके गियर नॉब की बात करूं तो गियर नॉब में देख सकते हैं आपको जो कि पार्किंग है, उसके अलावा रिवर्स, न्यूट्रल और डी कम ऑप्शन मिल जाता है, और साथ ही नीचे देख सकते हैं आपको 12 वोल्ट का जो कि एक चार्जर का ऑप्शन मिल जाता है। उसके अलावा मैं आपको जो कि इसके विंडोज़ हैं, उसके जो कि बटन हैं इसके विंडो अप डाउन के लिए, वो आपको सेंटर में मिल जाते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रिक पार्किंग का बटन मिल जाता है, और यहाँ छोटी सी आपको स्पेस मिल जाती है जिसमें आप कोई छोटी मोटी चीज़ रख सकते हैं। और इसके अलावा मैं चलता हूँ इसके जो कि मल्टीमीडिया कंट्रोल हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो कि ये भी आपको टच के अंदर मिल जाता है, जितने भी कंट्रोल्स हैं आपको इसी के अंदर मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं इसके जो कि जितने भी इसमें छोटे मोटे कंट्रोल हैं, काफ़ी सारे कंट्रोल इसके जो कि आप यहीं से कर सकते हैं। इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ ही है, मतलब एक ही स्क्रीन है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती के साथ, और इसके जो कि थीम है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जहाँ तक इसके डोर्स की बात कर लेते हैं, तो डोर्स के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो कि क्रोम के अंदर इसके जो कि डोर हैंडल मिल जाते हैं, जिस तरह की टू डोर कार है। और साथ ही अगर हम इसके डोर्स की क्वालिटी की भी बात करें तो वो भी बहुत अच्छी है। और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्पीकर, और नीचे यहाँ पे आपको कुछ स्पेस मिल जाती है यहाँ फाइल्स वगैरह होल्ड करने के लिए। और आपको जहाँ तक स्पीकर की बात कर लूँ तो स्पीकर देख सकते हैं आपको यहाँ डोर हैंडल के नीचे मिल जाता है ट्विटर, और स्पीकर इसका जो कि ये नीचे वाली साइड पर आपको मिल जाता है। और बाकी आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और उसके अलावा अगर हम इसके जो कि चेक कर सकते हैं, आपको शायद सुनाई भी दे रही होगी, यहाँ पे रेगजीन का यूज़ किया गया और वाइट पियानो का भी। इसके जहाँ तक इसकी सीट्स की बात कर ले तो इसकी जो कि बैक सीट्स हैं इसको भी आप देख सकते हैं, इसके अंदर जो मटेरियल यूज़ किया गया बहुत ज़बरदस्त यूज़ किया गया, और इसकी रूफ़ को देख सकते हैं आप। उसके अलावा ये जो कि फ्रंट ड्राइवर सीट है, ये आपको आगे करके पीछे जाना पड़ेगा, इसके अंदर आपको थोड़ी सी तंगी हो सकती है। तो जहाँ तक इसकी साइड प्रोफाइल में इसके टायर्स की बात कर लेते हैं, तो ये देख सकते हैं आपको जो कि इसके अंदर 145, 70 और 12 का टायर, और साथ आपको कप जो कि व्हील कप के साथ मिलता है। उसके अलावा ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी गाड़ी के अंदर आपको क्रोम का टच मिलता है। उसके अलावा इसके जो कि साइड व्यू मिरर है ये पियानो ब्लैक में मिलता है, और LED माउंट है।
तो ये देख सकते हैं इसकी एक एलईडी फ्रंट के ऊपर है और एक इसकी बैक साइड पे। तो जहाँ तक इसके डोर की बात कर लेते हैं, ये गाड़ी टू डोर है, इसके अंदर जो डोर हैंडल यूज़ किए गए हैं वो क्रोम के अंदर, और ऊपर देखें आप यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है, फिंगर लॉक का ऑप्शन मिल जाता है, ये देख सकते हैं आपको क्रोम के अंदर हैंडल मिल जाते हैं। उसके अलावा टू डोर है, आगे हम जो कि वीडियो लेके आएंगे फोर डोर की भी लेके आएंगे। तो इसको अगर आप साइज भी देख सकते हैं कि अगर एक बंदा बैठता है तो जितनी भी इसके अंदर स्पेस बचती है वो आपको नज़र आ रही होगी, और ये देख सकते हैं इसके डोर की जो कि कंडीशन भी। तो जहाँ तक इसके फ्रंट लुक की बात कर लेते हैं, फ्रंट लुक के अंदर आप देख सकते हैं इसकी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बिल्कुल ही छोटी सी गाड़ी लगती है, और जिस तरह की ये आप ऊपर देख सकते हैं इसके अंदर भी आप इसकी फ्रंट वाली साइड है, इसके अंदर जो आपको लाइन नज़र आ रही है DRL है, और इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं आपको इसके अंदर भी क्रोम का टच दिया गया है। ये वाली जो जगह है ये आपको जो कि चार्जिंग के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया फ्रंट पे, ये आप आगे से इस तरह हटाएंगे और ये जिस तरह ओपन होगा तो इसको यहाँ पे आप चार्ज कर सकते हैं। इसको जिस तरह के मैंने आपको चार्जिंग का बताया कि एक चार्ज में ये गाड़ी 300 किलोमीटर आपको जो कि देने की सलाहियत रखती है, यहाँ पे आप इसको प्रेस करेंगे दोबारा ये बंद हो जाएगी। तो उसके अलावा अगर इसकी हेडलाइट्स की बात कर लें, ये देख सकते हैं इसके अंदर, एक सेकंड में ये खोल दूँ, ये आपको ये देख सकते हैं यहाँ पे हेडलाइट लो और हाई बीम दोनों मिलती हैं, और इंडिकेटर का ऑप्शन यहाँ पे आपको नीचे बम्पर के अंदर मिल जाता है। बम्पर के अंदर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको जो कि ग्रे कलर का टच दिया हुआ मिलता है, जो कि इसकी फ्रंट लुक को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाता है, और ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो कि चार्जिंग के लिए भी सामने आपको ऑप्शन दिया गया है। तो जिस तरह और मैं इसकी अगर आपको रूप भी दिखाऊं तो ये देख सकते हैं ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन किया गया है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत। तो जहाँ तक इसकी बैक प्रोफाइल की बात कर लेते हैं, बैक प्रोफाइल में आप देख सकते हैं ऊपर सबसे आपको जो कि इसकी टॉप की बात कर ले, ये आपको पियानो ब्लैक में मिलता है, यहाँ पीछे आपको जो कि हाई माउंटेन बैक लैंप मिल जाता है। उसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे बैक साइड पे जो कि आपको लाइट का मिल जाता है ऑप्शन, व्यूलिंग का आपको ऑप्शन मिल जाता है जो कि इसकी कंपनी का नाम है व्यूलिंग। उसके अलावा नीचे आपको जो कि बैक कैमरा मिल जाता है जो कि बहुत अच्छा ऑप्शन है बिल्कुल छोटी सी गाड़ी में। बैक लाइट्स की बात कर लें तो बैक लाइट्स में देख सकते हैं आपको जो कि बैक लाइट और ऊपर इंडिकेटर, और इसकी नीचे वाली साइड पर आपको जो कि रिवर्स की लाइट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपको एयर EV का ऑप्शन मिल जाता है जो कि इस गाड़ी का नाम है। नीचे अगर आप इसके बम्पर की तरफ देखें तो बम्पर के अंदर भी जिस तरह फ्रंट वाले बम्पर की तरह जो कि टच दिया गया है, थोड़ा सा जो ग्रे कलर जो कि इसके अंदर टच दिया गया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं आपको बूट ओपन करके दिखा दूँ तो बूट के अंदर आपको स्पेस दिखा दूँ, क्योंकि छोटी इलेक्ट्रिक कार है तो इसकी बूट के अंदर स्पेस बहुत कम है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्पेस बिल्कुल कम मिलती है। तो स्पेस बढ़ाने के लिए ये जो आपको दो आपको स्ट्रिप मिली हुई है, उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका चार्जर है, आप कहीं पे भी इसको चार्ज कर सकते हैं, और ये चार्जिंग के लिए देख सकते हैं। इसको मैं आपको स्विच भी दिखा दूँ, आम घर में यूज़ होने वाले जो कि सॉकेट होते हैं तो उसके अंदर भी ये लग के यूज़ किए जा सकते हैं। तो इसके अलावा मैं आपको इसकी स्पेस दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं आप इसकी अगर आप स्पेस बढ़ाना चाहें मज़ीद तो इस तरीके से आप इसकी सीट्स आगे फोल्ड करके इसकी मज़ीद स्पेस को बढ़ा सकते हैं। बाकी ओवरऑल अगर इसकी ट्रंक की स्पेस देखें तो बिल्कुल ना होने के बराबर ही है। उसके अलावा पीछे आप देख सकते हैं सीट बेल्ट का ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, और यहाँ पे आपको जो कि हैंडल मिल जाते हैं बैक साइड पे भी, और पीछे आने के लिए आपको पता है कि फ्रंट वाली सीट जो है वो थोड़ी सी पीछे करनी पड़ेगी। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी जो कि बैक साइड से भी व्यू देख सकते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो कि ट्रंक का जो कि पीछे से व्यू है और इसकी बैक साइड का जितना भी व्यू है। और एक और चीज़ दिखा दूँ, यहाँ पे आपको जो कि बैक साइड पे सेंसर का ऑप्शन भी मिलता है। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इस गाड़ी की प्राइस क्या होनी चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।